रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में स्कॉर्पियो बाइक की टक्कर के बाद अब एक बार फिर से दो पक्षों के बीच विवाद हो गया है, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर मारपीट कर दी। इस घटना में चार लोग बुरी तरह से घायल हो गए। दो दिन पहले रुड़की के तेलीवाला गांव में काले रंग की स्कॉर्पियो कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी थी, जिससे बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद गुस्साए लोगों ने कार में तोड़फोड़ कर दी थी। ये कार पाडली गुर्जर निवासी व्यक्ति की थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को कोतवाली लाकर खड़ा कर दिया था। वहीं अब मामले में नया मोड़ आया है, जहां इस कार के मालिक और उसके साथियों ने कार तोड़ने के आरोप में पूर्व प्रधान के घर पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। झगड़े का केस आया था पाडली गुर्जर से, जिसमें कि चार का मेडिकल हुआ है, उसमें से तीन लोग गंभीर स्थिति में थे और एक महिला थी जो कि सिंपल चोटें थी उसमें। तो उसमें से एक जो है मशरूफ, वो तो काफ़ी गहरी चोट थी उसके सर पे, तो उसको हमने तो आते ही सीधा रेफर करा है। वो गया है रेफर सीधा एम्स ऋषिकेश के लिए, और बाकी जो दो साथ के हैं उसके, ठीक है, उनको भी हमने रेफर कराया सीटी के लिए और एक्सरे वगैरह के। पर एक है जो बहुत ही सीरियस कंडीशन में था, उसका नाम है मशरूफ। चोटें यहाँ पे देखी गई हैं एग्जामिनेशन के तौर पे, तो वो तो ऐसी लगी है कि धार तो नहीं, पर हाँ जैसे धारदार कोई चीज़ होती है तो उसके पिछले हिस्से से वैसे ही मारी हुई चोट होती है, तो फिलहाल तो वही है। पर एक बार सीटी और एक्सरे की रिपोर्ट आएगी तो उस समय कन्फर्म हो जाएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।